हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल। अब कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप डेली वेयर में या फिर अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो ऑफिस के लिए परफेक्टली साड़ी ड्रेप कर सकती हैं, वो भी सिर्फ एक सेफ्टी पिन की हेल्प से। सो काफ़ी सारे इजी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनकी हेल्प से आप अपनी क्रैप सिल्क की साड़ी को फटाफट से एंड ईजिली ड्रेप कर सकती हैं। सो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमने पेटीकोट, फुटवेयर एंड ब्लाउज वेयर कर लिया है। मेरा जो फुटवेयर है वो हील वाला, इसलिए पहले ही वेयर कर ली हूँ ताकि साड़ी बांधने के बाद ऊँची नीचे ना हो जाए। जो पेटीकोट वेयर किया है शेप वेयर पेटीकोट है एंड इसमें डोरी भी आपको मिल जाएगी। एंड ये जो साड़ी है इसका फैब्रिक क्रेप का है। तो सबसे पहले साड़ी को खोलेंगे एंड साड़ी का पल्लू वाला पोर्शन हमें पहले पकड़ना है। पल्लू वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखते हुए साड़ी को खोलते हुए साड़ी के आखिरी सिरे पर जाना है, क्योंकि कभी भी हम साड़ी को उसके नॉन पल्लू साइड से ड्रैप करना शुरू करते हैं। ये साड़ी का आखिरी सिरा इसे रखेंगे राइट हैंड साइड की तरफ और सामने के पार्ट को अच्छे से सेट करना है। बैक साइड से स्टार्ट नहीं करना है। देखिए नेवल है ना, इसके चार अंगुल राइट से आपको स्टार्ट करना है। सामने के पार्ट को अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। ऊपर जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसको कमर में टकिंग करेंगे। तो पहले मैंने राइट में टक किया फिर लेफ्ट में। इसके बाद जो सामने का पार्ट बच जाता है इसको अच्छे से इंसर्ट करना होता है ताकि फैब्रिक सामने फंस के टमी फूली फूली ना दिखे। तो इस तरह से देखिए सामने का पार्ट हमारा टक हो गया है। अब हम साड़ी को लेते हुए वन राउंड लेंगे और जब हम राइट साइड में आते हैं तो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग देखिए फैब्रिक को सेट करना होता है। फिर सामने की तरफ आपको थोड़ा सा टाइटली से खींचते हुए राइट में टक करना होता है। इसके बाद हम बैक के पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेते हैं। सो इस तरह से हमारी जो फर्स्ट राउंड की बेसिक टकिंग है वो कम्प्लीट हो जाती है। सो बेसिक राउंड टक हो जाने के बाद हम साड़ी को लेते हुए उसके पल्लू वाले पोर्शन पर आते हैं। सीधे नहीं चाहते, नहीं तो साड़ी बीच से उलट पुलट हो सकती है। पल्लू वाला पोर्शन मिल चुका है, बाकी साड़ी को सामने छोड़ेंगे। केवल पल्लू वाले पोर्शन को बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालना है और यहाँ पर देखिए पल्लू वाला पोर्शन इस तरह से आपको पकड़ लेना है और लेफ्ट हैंड से देखिए एक हाथ फैब्रिक मेज़र करना है। अब इस मेज़र किए फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखिए फैब्रिक जब डबल फोल्ड हो जाता है ना तो बहुत ही आराम से आपको अंदर वाला फैब्रिक छोड़ना है और सामने जो बंद वाला पोर्शन है इस तरह से आपको लेते हुए पकड़ लेना है। अब देखिए पल्लू हमारा डबल फोल्ड होकर सामने आ चुका है। अब आप राइट लेफ्ट कहीं से प्लीट उठा सकती हैं, तरीका सेम ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट से उठा रही हूँ इसलिए राइट साइड के पल्लू के कॉर्नर को कमर में टकिंग किया, इसे प्लीट्स बनाने में आसानी होगी। और पहले देखिए थोड़ा सा फैब्रिक पकड़ के ना मैं इस तरह से बॉर्डर टू बॉर्डर मिला ली हूँ ताकि पल्लू हमारा ऊपर नीचे ना हो जाए। अब जब आप प्लीट उठाएंगे तो हाफ इंच के करीब फैब्रिक छोड़कर स्मॉल फिंगर थंब से पकड़ना है। सामने की टू फिंगर को कैंची की तरह करते उसमें फैब्रिक को फंसाते हुए हम वन बाय वन प्लीट बनाएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्लीट होती है वो सभी प्लीट से हाफ इंच चौड़ी होनी चाहिए। और यहाँ पर हैंड को आगे ले जाते हुए फैब्रिक को पकड़ती हूँ ताकि फैब्रिक जो है ना बिल्कुल एक बराबर पकड़ में आए। दूसरी तरफ भी देखिए कॉर्नर को बॉर्डर टू बॉर्डर बिल्कुल मैच करा लेंगे और यहाँ पर सभी साड़ियों की प्लीट्स बना लेंगे। अब यहाँ पर आखिरी जो प्लीट का डायरेक्शन है वो आपका राइट की तरफ होना चाहिए बट मेरा लेफ्ट की तरफ है। तो दो प्लीट खोलकर पतली पतली तीन प्लीटें बना लेंगे जिससे प्लीट का डायरेक्शन मैनेज हो जाएगा। सो ये देखिए अंदर की दो प्लीट पतली है बट ऊपर वाली सभी प्लीट्स काफ़ी अच्छे से बन चुकी है। इन्हें इक्वल करते हुए अरेंज करके लेफ्ट हैंड में इस तरह से पकड़ लेना है। अब देखिए फैब्रिक को थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे और यहाँ पर देखिए जहाँ तक आपका फैब्रिक डबल फोल्ड है उसके आगे पकड़ के इस तरह से झटक देना है और जो डबल लेयर थी वो बाहर आ गई उसे लेफ्ट हैंड पे रखते हुए इस तरह से थोड़ा सा शेक करेंगे। थोड़ी सी दूरी पे देखिए हम साइड से वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। तो इस तरह से अगर आप प्लीट बनाएंगे आपके शोल्डर की प्लीट एक ही बार में फटाक से बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर से प्लीट आ रही उन्हें अरेंज करना होता है। इतना पोर्शन हमने अरेंज कर लिया है ना, तो अब जो लेफ्ट हैंड में फैब्रिक पकड़ा है ना इसे हम छोड़ देंगे और फिर थोड़ा सा झटक देंगे और यहाँ पर देखिए हमारी जो प्लीट है ना एक ही बार में बन चुकी है। ये देखिए अब लेफ्ट वाले शोल्डर पर रखते हुए पल्लू की लेंथ हम देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं घुटने से नीचे रख रही हूँ क्योंकि पल्लू लॉन्ग लेने से हमारा जो लुकर टॉन नज़र आता है। अब सामने की तरफ भी थोड़ा सा झटक के प्लीट को सेट करेंगे। अब एक सेफ्टी पिन की हेल्प से ब्लाउज के शोल्डर में पल्लू को सिक्योर करेंगे। तो जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग है उससे एक या दो इंच बैक में जाना है। पल्लू की प्लीट्स एंड ब्लाउज के फैब्रिक को एक साथ पकड़ लेना है। सेफ्टी पिन आपको ब्लाउज के अंदर से लगानी है। जब उसकी नोक बाहर की तरफ आ जाए तो फिर थोड़ी सी दूर पे अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए सेफ्टी पिन के लॉक को लॉक करते हैं। सो इस तरह से अगर आप पल्लू को सिक्योर करेंगी आपका पल्लू सामने की तरफ बार बार नहीं गिरेगा, अच्छे से शोल्डर पर सेट रहेगा। अब हम सामने की तरफ आएंगे एंड यहाँ पर देखिए पल्लू का अंदर वाला बॉर्डर अपने चेस्ट पर इस तरह से सेट करते हुए बैक से घुमाते हुए लेफ्ट की तरफ फैब्रिक को लेकर आना है। एंड यहाँ पर देखिए पल्लू का एक एक प्लीट आपको सेट करना है चेस्ट के ऊपर इस तरह से।
ताकि कोई प्लेट्स आपकी अगर छूटी हो तो पता चल जाए और एक एक प्लेट अच्छे से उभर के नज़र आए। तो सभी प्लेट को वन बाय वन इस तरह से ठीक कर लेना है। अब देखिए हमारा पल्लू का जो प्लेट है वो अच्छे से सेट हो चुका है। लेफ्ट साइड की तरफ जो फैब्रिक आ रहा है इसको हिप पर सेट करना है और इस तरह से सेट करते हुए आपको राइट हैंड साइड तक लेकर जाना है। इतना फैब्रिक मेज़र करके हम छोड़ देंगे, इस वाली फैब्रिक के हम प्लीट नहीं बनाएंगे। अब हमारे पास जितनी भी साड़ियाँ बच गई हैं इनकी हम प्लीट्स बनाएंगे। सो यहाँ पर आप राइट लेफ्ट कहीं से भी प्लीट उठा सकती हैं, तरीका सेम ही रहता है। तो मैं लेफ़्ट से उठा रही हूँ। सबसे पहले देखिए इस तरह से आपको स्मॉल फिंगर और थंब से फैब्रिक को पकड़ लेना है। सामने की टू फिंगर को कैची की तरह करते उसमें फैब्रिक को फंसाते हुए हम वन बाई वन प्लीट बनाएंगे। यहाँ पर इसका फैब्रिक जो है ना वो क्रेप का है, तो मैं पतली पतली प्लीटें बना रही हूँ क्योंकि क्रेप या फिर जॉर्जेट की साड़ियों की अगर आप प्लीट पतली भी बनाते हो तो भी वो इजीली से नीचे तक सेट हो जाती हैं खुद ब खुद। अब देखिए जब आप प्लीट बनाते हुए आएंगे तो जो ऊपर वाली प्लीट होती है ना इसके बाद आपको देखना है कि थोड़ा सा फैब्रिक बचा हो, यानी कि मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आप राइट से प्लीट उठाएंगे तो नेवल से चार अंगुल आगे जाके आपको प्लीट्स उठानी है क्योंकि इस एक्स्ट्रा फैब्रिक से हम फर्स्ट वाली प्लीट को सेट करते हैं। अब देखिए हमारी जो प्लीटें बन गई हैं इनको अच्छे से झटक देना है और यहाँ पर देखेंगी तो जो मेरी प्लीटें हैं ना बहुत ही अच्छे से नीचे तक पूरी सेट हो चुकी हैं। बस इन प्लीट को हम अरेंज करेंगे। सो ऊपर साइड से अरेंज करना होता है बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में हाफ हाफ सेंटीमीटर का गैप ही रखते हुए। इस तरह से अरेंज करने से सभी प्लीट्स उभर के नज़र आती है और नीचे से अनइवन फॉल साइड नहीं रहती है। प्लीट्स देखिए यहाँ पर अच्छे से अरेंज हो गई है। तो टमी के ठीक सामने रखते हुए इन प्लीट को पकड़ लेना है, केवल पहली प्लीट को खोलना है। राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेते हुए हम पहली प्लीट को चौड़ी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रखते वक्त बाकी की प्लेट से थोड़ा सा नीचे रख दीजिएगा। अब देखिए फर्स्ट प्लेट हमारी चौड़ी हो गई है, काफ़ी अच्छे से सेट रहेगी एंड ऐसा करने से राइट साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैनेज हो गया है। अंदर से एक एक प्लेट को पकड़ते हुए झटक लेना है और यहाँ पर देखिए प्लेट्स हमारी काफ़ी अच्छे से बन चुकी है, सेट हो चुकी है। अब नेवल के ठीक सामने रखते हुए हम मेज़र करेंगे हमें कितना पार्ट अंदर टकिंग करना है। फाइनली वहीं पर हम साइड से वन बाई वन एक एक प्लेट को पकड़ते हुए अरेंज करेंगे। अरेंज हो जाने के बाद नेवल के ठीक सामने रखते हुए इन प्लेट को हमें पेटीकोट में टकिंग करना है। टक करके मैं थोड़ा सा शेक करती हूँ ताकि फैब्रिक अंदर तक चली जाए एंड अगर आपको लगता है कोई प्लेट दब गई है तो इसे हल्का हल्का स्प्रेड करें। इसी को कहते हैं हाफ हाफ सेंटीमीटर का गैपिंग, जिससे हमारी सभी प्लेट्स उभर के नज़र आती है। अब देखिए हमारी प्लेट्स यहाँ पर अच्छे से टक हो चुकी हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैनेज करना है। तो इसे मैनेज करने के लिए राइट साइड की तरफ थोड़ा बहुत पार्ट ओपन करेंगे जिसमें राइट वाला हैंड इजीली से जा सके। और अब जो सामने की प्लीट है ना इन्हें हमें सिक्योर करना है ताकि ये प्लीट इधर उधर ना हो। तो इस तरह से अरेंज करते हुए यहाँ पर हम सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने के लिए मैं इस तरह की साड़ी पिन का यूज़ कर रही हूँ, ये आपकी साड़ी को डैमेज भी नहीं करेगी और प्लीट को अच्छे से सिक्योर कर देगी। अब हमारी प्लीट सिक्योर हो गई है तो हम लेफ्ट साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से देखिए चेस्ट पर अच्छे से बॉर्डर को सेट करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को खींचकर सामने लेकर आएंगे। इस तरह से देखिए अच्छे से एक एक प्लीट को सेट करते हुए इस तरह से आपको खींचते हुए लेकर आना है लेफ्ट साइड की तरफ। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो आया है ना इसको मैनेज करने के लिए राइट साइड के ओपन पार्ट में से राइट वाले हैंड को इंसर्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को राइट वाले हैंड से पकड़ते हुए राइट की तरफ खींचेंगे। अब यहाँ पर खींचते वक्त आपको ध्यान रखना है आपको उतना ही फैब्रिक खींचना है जितना फिटेड रखना चाहती हैं। तो देखिए मैं जनरली घुटने तक फिटेड रखती हूँ तो इस तरह से मैं फैब्रिक को खींच रही हूँ। अब राइट की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल कर आए ट्विस्ट करके कमर में टकिंग करेंगे। ट्विस्ट करने से क्या होता है कि ये टकिंग निकलती नहीं है। अब देखिए टक हो जाने के बाद जो ऊपर वाली पार्ट हमने ओपन कर रखी है ना लेयर साड़ी की, इसे भी हम कमर में टकिंग करेंगे। सामने की प्लीट को दबाए रखेंगे ताकि वो इधर उधर ना हो। अब जो राइट साइड वाला ये वाला पार्ट है ना आपका पल्लू से कवर हो जाएगा। पल्लू की प्लीट्स को एक बार अच्छे से ठीक कर लेना है एंड यहाँ पर जो हमारा फाइनल लुक है वो अब आप देख सकती हैं। सो इस तरह से आप अपनी क्रेप की साड़ी को डेली वेयर में या फिर ऑफिस वेयर में ईजिली एंड परफेक्टली ड्रैप कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।